गुड मॉर्निंग और गुड न्यूज। संडे है और आप सब मैच का इंतजार कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान। सारी रात मैं जानता हूं कि खिलाड़ियों को, फैंस को ये टेंशन रही होगी कि भाई आज मौसम कैसा रहेगा। ये लीजिए मौसम, ये देखिए, ये देखिए। बड़ा प्लेजेंट डे है, बादल है, हवा चल रही है, लेकिन जो डर था और जो वेदर फोरकास्ट भी थी कि जी बरसात आएगी, बरसात नहीं आई है। इनफैक्ट ये परसों रात जब हल्की हल्की बूंदें गिरी थी, कल सारा दिन बरसात नहीं आई। और ये देखिए, ये बादल आपको दिखेंगे आसमान में, आसमान में आपको बादल दिखेंगे, लेकिन ये थ्रेटनिंग बादल नहीं है। जैसे होता ना काले रंग के बादल, कल जैसे शाम को एक बन गया था कि शायद बरसात आएगी, बड़ी तेज हवाएं भी चल रही थी, लेकिन बरसात ना तो कल आई, पूरी रात नहीं आई। आज सुबह भी आप देख रहे हैं धूप भी निकली है। और बस आप लोग तैयार हो जाएं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज सुपर फोर का जो मुकाबला है, पे बैक टाइम जिसे कहते हैं ना, बस वो पे बैक टाइम। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के मबैन खेले जाने वाले मैच में बारिश से मुतल्लिक बड़ी खबर आ चुकी है, चूँकि इससे पहले ये फोरकास्ट की जा रही थी कि ये मैच भी बारिश से मुतासिर होने का खदशा है। मगर इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता इस वक्त कोलंबो में ही मौजूद हैं और उनके मुताबिक आज बारिश के इम्कान बहुत कम हैं, क्योंकि कल भी यहाँ बारिश नहीं हुई थी। यही वजह है कि कल दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। आसमान पर हमें हल्के बादल तो ज़रूर दिखाई देते हैं, मगर बारिश बरसने के इम्कान आज काफ़ी कम हैं। एशिया कप सुपर फोर का ये तीसरा मैच आज कोलंबो में खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को अपने पिछले मैच का खासा एडवांटेज हासिल होगा।